स्कूल लेक्चरर के लिए भी 688 पोस्ट जारी हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने 688 पदों के लिए, विभिन्न विषयों के पदों के लिए ये वैकेंसी जारी किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ 688 लेक्चरर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। इसमें भी आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं, भविष्य में रेगुलर होने की संभावना है। आइए देखते हैं कि किस तरह से कितना पोस्ट जारी हुआ है, सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं 688 लेक्चरर्स के लिए जो अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्जेक्ट वाइज रिजर्वेशन का जो आंकड़े दिए हुए हैं, यदि आप फ्रेश मास्टर डिग्री हैं और 50% है उनके लिए ये बहुत बढ़िया चांस है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में लेक्चरर का पोस्ट निकला हुआ है जो भविष्य में रेगुलर होने की संभावनाएं बनी रहती है, जिसमें से बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, जियोग्राफी, एजुकेशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स जैसे पोस्ट के लिए जो है इसमें लेक्चरर के लिए जो है अलग अलग विषय में अलग अलग पोस्ट यहाँ पर दिखाया जा रहा है। चूँकि यदि मणिपुर के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, लेकिन जो मणिपुर के नहीं हैं बल्कि बाहर के स्टेट के हैं उनके लिए अनरिजर्व कैटेगरी में, जो अनारक्षित श्रेणी में भी पोस्ट, ढेर सारे पोस्ट निकले हुए हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो करियर की शुरुआत जो है यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पर जो जारी किया हुआ है इसको जो है आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए तो आपको इस तरह का मिलेगा नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। तो आप यदि हम नोटिफिकेशन देखें तो नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, हम उसके लिए एज क्या है, तो ये सारी जानकारी जो है इसके अंतर्गत दिया हुआ है। तो आप इसको जो है अध्ययन करें, और इसका अंतिम तिथि भी दिया हुआ है। अंतिम तिथि में अभी अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि बचा है, ये मतलब 27 जुलाई 2018 को जो है इनका अंतिम तिथि दिया हुआ है। इसकी जो कॉपी भेजने की अंतिम तिथि है वो है 27/7, और ये कहा गया है कि 1/7/2018 को 38 साल नहीं होना चाहिए। यदि आपकी उम्र 38 साल से ज़्यादा नहीं है तो आप इसमें वैकेंसी में भर सकते हैं। हमने बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं, और ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। जनरल स्टडी में 15 मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का आएगा, जिसमें जनरल साइंस, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन। फिर सेकंड में दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम होगा 65 मार्क्स का, जिस विषय में आप अप्लाई किए हुए हैं उस विषय में भी 65 मार्क्स आएगा, और ये पार्ट ए के अंतर्गत ये हो जाएगा। दूसरा इंटरव्यू भी होगा जो 20 मार्क्स का होगा। इस तरह से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आप सफल हो सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी सफलता आपकी एप्लीकेशन से ही निहित होती है। जब तक आप एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी पोस्ट को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया इसको जो है ज़रूर भरें, और ये 6 जुलाई 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसको बारीकी से पढ़ें, देखें, समझें, और उसके तहत जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं मांगा हुआ है कि मणिपुर के निवासी होना ज़रूरी है, भारत के कोई भी व्यक्ति जो है इसमें भर सकता है। ये पोस्ट भी आप देख सकते हैं कि यदि किसी विषय में आप मास्टर डिग्री है, पीजी है, तो आप इसको भर सकते हैं। साथ ही साथ स्कूल का नाम भी दिया हुआ है कि कौन से गवर्नमेंट स्कूल में क्या कैसे पोस्टिंग हो सकता है, और इसके अलावा यहाँ पर स्कूल वाइज पोस्ट भी दे रखा है, किस सब्जेक्ट में किस स्कूल में वो पद रिक्त है, जहाँ पर आप यदि मान लीजिए इसमें सफल होते हैं तो आपको नियुक्ति यहाँ पर मिलेगी।
इस तरह से आप पूरा अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद में आप जो है इसमें अप्लाई करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये जानकारी मिल गई होगी और दूसरे को भी एक जानकारी होना चाहिए। जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये लाभ मिले, हमारी अपेक्षाएं हैं। और इस अपेक्षाओं के अनुरूप आप जो है इसमें अप्लाई करें, हमें खुशी होगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, नमस्कार।